हेलो गाइस, मेरा नाम है इंद्रजीत और वेलकम टू hackrex.com। और आज हम बात करने वाले हैं इंडिया के स्मार्टफोन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सोचा, मैं बात करने वाला हूँ जियो 4G फीचर फ़ोन के बारे में। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे देखेंगे कि इस फ़ोन में क्या क्या कंटेंट्स है, बॉक्स में क्या क्या कंटेंट्स है, और बिल्कुल ये फ़ोन इंडिया में सच में इंडिया का स्मार्टफोन का टाइटल के लिए वर्थ करता है कि नहीं अकॉर्डिंग टू मी। और इसके अलावा यहाँ पे हम देखेंगे कि इस फ़ोन के प्लान्स के बारे में, जियो के टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में, और इस फ़ोन के बारे में कंप्लीट हम जानेंगे इस वीडियो में। सो विदाउट फर्दर बिंग सेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले तो हम देख सकते हैं ये बॉक्स, इसका प्राइस है 1500 रुपीज़। आप फ्रंट की तरफ देख सकते हैं जियो का ब्रांडिंग है, पीछे की तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कुछ कुछ फीचर्स। लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है पावर्ड बाय काई ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब यहाँ पे आपको एंड्रॉयड देखने को नहीं मिलेगा। राइट हैंड साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है जियो फोन F61F, जो कि इसका मॉडल नंबर है। इसका फ्रंट एंड में आप देख सकते हैं लिखा है आपको वॉच ऑन टीवी सिंपली बाय कनेक्टिंग अ केबल, इसका मतलब आप केबल के साथ कनेक्ट करके अपने किसी भी नॉर्मल टीवी को आप स्मार्ट टीवी बना सकते हैं और उसके बाद अनलिमिटेड स्ट्रीमिंग कर सकते हैं अपने जियो टीवी ऐप के साथ। पीछे की तरफ आपको यहाँ पे जो फीचर्स लिखा है उसको मैं रीड आउट कर देता हूँ। उसके ऊपर में आप पहले तो देख लेते हैं, यहाँ पे लिखा है नॉट फॉर डिटेल सेल, मतलब आप इसको प्री बुक कर सकते हैं माई जियो ऐप से, उसके बाद ही आप इसको डिजिटल स्टोर से कलेक्ट करने के बाद यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे नीचे जो फीचर्स लिखा है उसको रीड आउट कर देते हैं। सबसे पहले आपको अब लिखा है यहाँ पे HD वॉइस कॉल एंड वीडियो कॉल। यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे 2.4 इंच का QVGA TFT डिस्प्ले मिलेगा। नीचे की तरफ आप देख सकते हैं 2 मेगापिक्सल का आपको मिलेगा रेयर कैमरा फोटोज़ एंड वीडियोज़ के लिए, एंड VGA कैमरा मिलेगा वीडियो कॉल्स के लिए एंड फोटोज़ के लिए। सेल्फी भी अगर आप ले सकते हैं अच्छे अच्छे क्वालिटी में, मूनलाइट सेल्फी, क्या क्या सेल्फी, तो देखते हैं इसमें क्या क्या सेल्फीज़ आप देख सकते हैं। नीचे की तरफ आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा है आपको वाईफाई कनेक्टिविटी ऑप्शन वहाँ पे, और नीचे की तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है आपको मल्टीपल इंडियन लैंग्वेजेस। ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से आप 30 लैंग्वेजेस ये डिवाइस सपोर्ट करता है। नीचे की तरफ यहाँ पे देख सकते हैं माइक्रो SD कार्ड का सपोर्ट भी दिया है, मतलब आप इसमें मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं 128 GB तक का, और इस अपना स्टोरेज को बढ़ा सकते हैं। 4G इंटरनेट ब्राउजिंग का आपको यहाँ पे सपोर्ट मिलता है। 2000 mAh का यहाँ पे बैटरी है। वायरलेस FM रेडियो है, विच वॉज अमेजिंग फीचर इन दिस अकॉर्डिंग टू दिस प्राइस रेंज। और यहाँ पे आप GPS एंड ब्लूटूथ का टेक्नोलॉजीज भी आपको देखने को मिलेगा। 512 MB का रैम है, 4 GB का इंटरनल स्टोरेज है, जिसमें से कि 1.13 GB है आपका जितने भी फाइल्स है, फोटोज़ है, डॉक्यूमेंट्स है, उन सभी के लिए, एंड 900 MB के आसपास आपको मिलता है अलग अलग ऐप्स को इंस्टॉल करने के लिए अलग से स्टोरेज। वॉइस असिस्टेंट का फीचर है। इसके अलावा बात करते हैं यहाँ पे जियो प्रीपेड प्लान का। इस फ़ोन का प्राइसिंग है 1500 रुपीज़। उसके अलावा आपको 153 रुपीज़ का पैकेज देना पड़ेगा फॉर दिस सिम कार्ड। इस सिम कार्ड में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा 300 SMS ऑन अ मंथली बेसिस, बेसिकली ये 28 डेज़ का वैलिडिटी होता है। और यहाँ पे आप अनलिमिटेड वॉइस कॉल कर सकते हैं, अनलिमिटेड लोकल एंड STD रोमिंग भी इसमें फ्री है। एंड यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कॉम्प्लीमेंट्री जितने भी जियो के ऐप्स हैं, मैं बात करने वाला हूँ जियो TV के बारे में, जियो मनी के बारे में, और भी जितने जितने जियो के सर्विसेज ऐप्स हैं वो सभी यहाँ पे आपको फ्री मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ पे डेटा का बात करते हैं, तो डेटा में आपको मिलेगा 500 MB पर डे के हिसाब से 14 GB तक हाई स्पीड डेटा। उसके अलावा यहाँ पे आपको मिलेगा पोस्ट यूजेज 128 KB पर सेकेंड के स्पीड के साथ। तो बस यही है उसके कुछ कुछ फीचर्स। तो चलिए आप यहाँ पे इस बॉक्स के कंटेंट्स की तरफ देख लेते हैं। बॉक्स खोलते के साथ ही आप देख सकते हैं जियो का 4G फीचर फ़ोन। उसको हटा के चलिए अंदर की तरफ देखते हैं। यहाँ पे आपको मिल रहा है कि चार्जर, बेसिकली ये चार्जर आपका 5 वोल्ट 700 mAh का आउटपुट के साथ आता है। तो चलिए इस चार्जर एंड फ़ोन को हटा के इसके फ़ोन के अलग अलग लुक्स एंड डिज़ाइंस की तरफ देखते हैं। तो यहाँ पे आप फ्रंट एंड की तरफ देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 0। उसके अलावा स्टार एंड हैशटैग के बटन्स है। बटन्स के अलावा आपको ऊपर में 4 अलग अलग बटन मिल रहे हैं जो कि अलग अलग जियो सर्विसेज को इंडिकेट करते हैं। उसके अलावा आपको बैक बटन एंड कॉलिंग बटन्स एंड कॉल कट बटन भी मिल रहा है। बीच की तरफ आपको वॉइस असिस्टेंट का बटन भी मिल जाता है, और ऊपर की तरफ आपको जियो ब्रांडिंग भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। थोड़ा और ऊपर अगर आप जाएंगे तो स्क्रीन एंड स्क्रीन के ऊपर आपको मिलेगा ईयर पीस के पास में अगर आप पीछे की तरफ देखेंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा टॉर्च का सपोर्ट। उसके अलावा 3.5 mm का जैक है, चार्जिंग के लिए स्लॉट है, और आपको यहाँ पे अलग से हुक के लिए आपको स्पेस मिल जाता है। तो बस ये फ़ोन का लुक एंड डिज़ाइन बहुत ही मस्त है। मतलब इसका जो टोटल प्राइसिंग है रिसर्च की तरफ से पड़ा किया था वो था 2500 रुपीज़, बट इस फ़ोन को हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं 1500 रुपीज़ में ही। अब इसके अलावा फ़ोन के जो भी सिस्टम्स है उसमें आपको प्रोज एंड कॉन्स को इस वीडियो को डिवाइड करने वाला हूँ मैं। तो चलिए प्रोज एंड कॉन्स की तरफ।
बेसिकली प्रोस तो ये है, आपको 2500 रुपीज़ का फ़ोन 1500 रुपीज़ के जस्ट एन अपफ्रंट चार्ज में आपको मिल जाता है, विच इज़ रिफंडेबल आफ्टर 3 ईयर्स। यही है इसका प्रोस। एंड इसका जो और भी प्रोज में ये होगा कि आपको 153 रुपीज़ के ही प्लान में आप इसको ले सकते हैं, जबकि आपको यहाँ पे डेटा मिल रहा है और भी अलग अलग कितने सारे फैसिलिटीज़ मिल रहे हैं। अब इसका जो कॉन्स मेरे ख्याल से वो ये होगा कि अगर आप इसको मतलब जियो का टर्म्स एंड कंडीशंस की तरफ अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा वहाँ पे कि क्या क्या कौन से। बेसिकली जियो का टर्म्स एंड कंडीशंस में ये लिखा हुआ है कि आपको मिनिमम 1500 रुपीज़ का ईयरली रिचार्ज कराना पड़ेगा इस फ़ोन में। मतलब आप 3 साल तक अगर रिचार्ज कराते तो 4500 रुपीज़ का आप रिचार्ज में इन्वेस्ट कर देंगे, एंड 4500 के बाद आप इसको 1500 भी आपको चार्ज देना पड़ता है, मतलब इस फ़ोन का जो अपफ्रंट चार्ज था। तो ऑलमोस्ट आप 6000 स्पेंड करते हैं एक 1500 के स्मार्टफोन के ऊपर। अब इसके अलावा भी ये रिलायंस कंपनी ने एक और नया यहाँ पे अपना टर्म्स एंड कंडीशंस में ऐड किया है, वो ये है कि अगर आप इस फ़ोन को अभी रिटर्न करना चाहते हैं या फिर किसी भी मोमेंट पे रिटर्न करना चाहते हैं देन यू हैव टू पे अ रिटर्न चार्जेस। मतलब अगर आप इसको 10 दिन के बाद रिटर्न करते हैं देन आपको 1500 रुपये जो आप इससे इस फ़ोन के लिए अपफ्रंट चार्ज दिए हैं वो पूरे के पूरे कट जाएंगे, एंड आपका अलग से आपको कुछ और मनी नहीं मिलेगा इसका रिटर्न में। तो बेसिकली अगर आप इसको 0 से 12 मंथ्स तक रिटर्न करते हैं देन आपका जो 1500 रुपीज़ है वो पूरा का पूरा कट जाएगा। अगर आप इसको 12 महीने से 24 महीने तक रिटर्न करते हैं देन आपका 1000 रुपये कट के 500 रुपये आपको मिलेंगे। अगर आप 24 से 36 महीने के बाद इसको 24 से 36 महीने के बीच में अगर आप देते हैं देन आपका 500 रुपये कट के 1000 रुपये आपको मिल जाएंगे, एंड आफ्टर 36 मंथ्स विच इज़ 3 ईयर्स आपको पूरे के पूरे 1500 रुपये मिल जाएंगे। तो यही है इसका अलग अलग फुल रिव्यू। और हाँ, अगर आप सोच रहे हैं इसमें जियो सिम के अलावा और कोई सिम सपोर्ट है कि नहीं, तो मैं बता दूँ जियो सिम के अलावा आप इसमें कोई और सिम नहीं लगा सकते। मैं बात कर रहा हूँ किसी और टेलीकॉम ऑपरेटर का, बिल्कुल आप इसमें जियो का कोई भी सिम लगा सकते हैं। मतलब ऑलरेडी आप कोई जियो का सिम यूज़ कर रहे हैं तो उसको भी लगा के आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें व्हाट्सएप सपोर्टेड है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, इसमें व्हाट्सएप सपोर्टेड नहीं है। टिल नाउ कोई सपोर्ट नहीं आया, होपफुली कोई भी सॉफ्टवेयर अपडेट से या बाद में आपको देखने को मिल जाए। तब सेकंड चीज़ क्या, इसमें हॉटस्पॉट का फीचर है? नहीं दोस्तों, इसमें हॉटस्पॉट का फीचर नहीं है, सॉफ्टवेयर अपडेट में भी नहीं आया अब तक, क्या पता आने वाले दिनों में हम लोग को देखने को मिल जाए। थर्ड चीज़, क्या ये एंड्रॉयड है? नहीं, ऑलरेडी मैंने बोल दिया ये काई ऑपरेटिंग सिस्टम से चलता है, तो मतलब काई ओएस है इसका ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी है। तो बेसिकली ये एंड्रॉयड के लिए भी आने वाला है एक ऐसा न्यूज़ रूमर, क्या पता एक्चुअल में रियल न्यूज़ हो। ये एंड्रॉयड के साथ जियो मतलब फ़ोन बनाने का वाला है, कुछ दिन में हम लोग को शायद जो नेक्स्ट बैच जो नेक्स्ट लॉट होगा वो शायद एंड्रॉयड के साथ ही ये फ़ोन रिलीज़ हो। तो बस यही था इसके कुछ कुछ FAQs या फिर बोल सकते हैं कंप्लीट वीडियो जियो के बारे में। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, काइंडली गिव इट अ ह्यूज थम्स अप, एंड ऑल्सो मेक श्योर यू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। आई विल गिव द इंस्टाग्राम एंड ट्विटर हैंडल्स इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड हाँ, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को, जिससे कि आप आने वाले वीडियोस में पार्ट ले सकें। और हाँ, इसके इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है देन बिल्कुल एंड सजेशन है देन प्लीज़ ड्रॉप दैट कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो, दिस इज योर होस्ट निश शर्मा, टिल देन स्टे कूल, स्टे सब्सक्राइब, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन।